हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो थी जिसका पार्ट टू रह गया था, जिसके कमेंट मुझे बार बार आ रहे थे। वो थी सफदरजंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर को, उसके जो अदर सिलेबस के जो क्वेश्चन थे, यानी कि जिनमें रीजनिंग थी, कुछ मैथ था, कुछ जीके थी, उन सब के सवाल जो थे उनका मैंने बोला था कि उसका पार्ट टू हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं उसका पार्ट टू लेके आ गया हूँ और उसमें मैं कवर करूँगा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के और ओटी टेक्नीशियन, जो दोनों के एग्जाम हुए थे, दोनों के जो अदर क्वेश्चन हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, दोनों के असिस्टेंट के भी और टेक्नीशियन के भी। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहले की। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप अपने पास कॉपी यानी कि डायरी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर डायरेक्ट बता दिया जाएगा और कुछ सवाल ऐसे हैं कुछ समझाए जाएंगे जो आप अपनी डायरी पर नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, मतलब कि जो पहला सवाल है उसकी तरफ। हाउ मेनी आवर्स फॉर देयर इन 2 डेज, सवाल पूछ रहा है कि 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं। देखो, सिंपल सा है, आसान सा है, 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं। आप ऑप्शन पे जाने से पहले आप राइट कर देंगे कि 48 आवर्स, तो इन्होंने भी 48 आवर्स ही दिया है सफदरजंग वालों ने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आना लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर इन ए बिल्डिंग, देयर आर 2 फ्लोर अबव एंड 1 फ्लोर बिलो हर फ्लोर, हाउ मैनी फ्लोर आर देयर इन ए बिल्डिंग। तो सिंपल सा है, मतलब सिंपल सा क्या, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में पढ़ते पढ़ते आप आंसर दे देंगे। आना एक इमारत में दूसरी मंजिल पर रहती है, उसकी मंजिल के ऊपर 2 मंजिलें और नीचे 1 मंजिल है, इमारत में कितनी मंजिल है। अब देखो, आना क्या है, वो दूसरी मंजिल पर रहती है, दूसरी मंजिल पर रहती है, तो इसका मतलब सवाल बोल रहा है कि उसकी मंजिल के ऊपर भी 2 मंजिल है, उसकी मंजिल के ऊपर 2 हैं, तो 2 और 1 3 होगी और 1 नीचे है, तो टोटल कितनी हुई, 4। तो इसका जो ऑप्शन है फोर्थ नंबर वाला, तो वही राइट है, 4 फ्लोर यानी कि 4 मंजिल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देयर आर 100 चिल्ड्रन इन ए प्ले स्कूल, देयर आर टोटल 3 ग्रुप एंड 2 ग्रुप देयर आर ए टोटल ऑफ 40 चिल्ड्रन, इन ग्रुप 1 देयर आर हाफ एज मैनी चिल्ड्रन इन ग्रुप 2, ग्रुप 3 हैज द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज इन ग्रुप 2, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ग्रुप 1। तो सवाल को दोबारा हिंदी में सुन लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। एक प्ले स्कूल में 100 बच्चे हैं, कुल 3 समूह हैं उसके अंदर, और समूह 2 में कुल 40 बच्चे हैं, जो समूह 2 है उसके अंदर 40 बच्चे हैं, और समूह 1 में समूह 2 की तुलना में आधे बच्चे हैं, तो समूह 3 में बच्चों की संख्या समूह 2 के समान ही है, समूह 1 में कितने बच्चे हैं, सवाल ये पूछ रहा है। तो इसमें आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से, तो इसका जो आंसर है वो है 20, ये 20 बच्चे समूह 1 में बचे हैं, तो यानी समूह 1 में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो आंसर भी इन्होंने 20 ही किया है। क्योंकि देखो, ये सवाल ऐसे हैं कुछ कि आप पेन और डायरी अपने पास लेके बैठे होंगे, तो सवाल को पढ़ते पढ़ते उसको लिख लेंगे तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आंसर दे पाएंगे। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रामपुर हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 13,654, द नेवर बरिंग विलेज विच इज 85 किलोमीटर अवे हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 9,765, हाउ मैनी मोर पीपल आर देयर रामपुर, यानी हिंदी में बात करें तो रामपुर की जनसंख्या 13,654 है, 85 किलोमीटर दूर पड़ोसी गांव की आबादी 9,765 है, रामपुर में और कितने अधिक लोग हैं। देखो भाई, ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि इतने एक रामपुर की जनसंख्या है, और क्या अगर हमें कुछ नहीं करना, रामपुर की संख्या को लेना है और साथ में हमें विलेज यानी कि विलेज जो टोटल है दूसरा वाला उसकी लेना है, यानी 9,765 उसकी है, तो दोनों को माइनस कर देना आपस में, मतलब 13,654 में से घटा देंगे 9,765, तो हमारी क्या संख्या बचेगी, हमारी संख्या बचेगी 3,889। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है 3,889, तो यानी वही है 3,889 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ। कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ माइनस किया है घटाया ही है और कुछ नहीं था। तो फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब मीन पूछ रहा है, मीन का दोस्तों एक सिंपल सा और आसान सी ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूं। टोटल जितने भी नंबर आपके सामने दिए गए हैं, यानी जैसे हम इनको कैलकुलेट नंबरिंग में कर लेते हैं, 11, 5, 10, 13, 3, 4, 5, 5, ये हैं, अब इनको हम सारों को मिला के प्लस कर लेंगे। आप पेन डायरी आपके पास है ना, आप वहाँ पे इन सबको लिखो और लिखने के बाद इन सबको प्लस कर लो। अब प्लस करने के बाद जो आपके वो आएगी, तो ये अगर हम कर लेते हैं 11, 5, 16, 16, 10, 26 और 13 प्लस करेंगे तो कितना हो, 26 और 13 ये हो गया आपका 39,
हाँ जी 39 हो गए, और आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस कर देंगे इसमें तो कितना होगा 42, 42 को 4 में करेंगे तो कितना होगा 46, और 5 5 10 यानी 56। अब ये 56 हो गए टोटल नंबर, अब कि नंबर कितने हैं ये 8 हैं, इनको भाग कर लेंगे, बटे कर लेंगे यानी ऑब्लिक कर लेंगे, इनको भाग कर लेंगे यानी 8 को 56 में करेंगे डिवाइड करके तो कितना होगा 8 7 56 यानी इसका जो ऑप्शन 7 है, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 7, तो करेक्ट आंसर 7 है, तो वही है। कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी आपको पूछा जाए फाइंड द मीन, मीन जहाँ पे आ जाए समझ लो कि इन सारी संख्याओं को प्लस करो और फिर ये कितने नंबर में बैठ रहे हैं उनका डिवाइड कर दो, जो कट के आएगा आपका आंसर वही होगा, तो 7 इसका आंसर वही है, आपने अगर डायरी पे लिखा है तो आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ, द मीन ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर्स, इसमें मीन ही पूछ रहा है लेकिन किन के पूछ रहा है, फर्स्ट प्राइम नंबर के यानी फर्स्ट प्राइम नंबर चाहिए, तो फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यम, पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो पहली 5 की मैं बात करूं तो 1 है जो अभाज्य है, 3 है वो भी अभाज्य है, 5 है वो भी अभाज्य है, और 7 है वो भी अभाज्य है, और 11 है वो भी अभाज्य है, यानी वही पहली वाली ट्रिक अपनानी है इसमें भी, 1 3 5 7 11 तो टोटल कितने हुए 27, 27 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, जो कट के जो हमारी रीडिंग निकल के आएगी वो आएगी हमारी 5.4। तो इसमें जहाँ पे 5.4 हमें दिख रहा है, 5.4 नहीं दिख रहा है लेकिन इसके जो नियर बाई है वो है 5.6, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा 5.6। क्लियर है दोस्तों, सवाल के फर्स्ट प्राइम मीन पूछा था तो मैं पहले 5 मीन लिखने हैं जो अभाज्य हैं, एक जैसे कि वही दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 3 5 7 11 जो किसी से नहीं करते हैं अपने आप से करते हैं, वो अभाज्य हैं, तो उनको क्या करा जोड़ा है और उसके बाद उनमें भाग कर दिया है जो उनकी टोटल नंबर होता है यानी कि 5, तो वो कैलकुलेशन निकल गई 5.6। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनियनी टेरिटरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, तो ये क्या है मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा है, तो क्या हमारा दिल्ली है, तो इसका आंसर भी दिल्ली है, दिल्ली है दोस्तों। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारत का फसल उत्सव है, ओणम है, पोंगल है, मकर संक्रांति है, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ये सभी है, ओणम भी है, पोंगल भी है, मकर संक्रांति भी है, तो ऑल ऑफ दीज। अगले सवाल की तरफ, विच कंट्री विल होस्ट द G20 इन 2024, अभी हमारे 2023 में हमने इसको होस्ट किया था लेकिन ये अगले साल की पूछ रहा हमसे, 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जब उस टाइम G20 काफ़ी चल रहा था तो सबको बताती, तो इसका वही आंसर है ब्राज़ील, तो थोड़ी सी जी के डाल दिए, करंट से डाल दिए इन्होंने, तो ब्राज़ील में, यहाँ तो ब्राज़ील ही है इसका, तो 2024 में जो होस्ट करेगा G20 को ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नेवर स्टॉप ग्रोइंग, हमारे शरीर के कौन से अंग कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, बंद नहीं करते जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो कौन से, नोज एंड ईयर्स शायद, वही आई थिंक नोज एंड ईयर ही राइट है, क्योंकि ये ऐसे पार्ट्स हैं हमारे जो कभी बढ़ना बंद नहीं करते, मतलब ऐसे अंग हैं हमारे जो हमेशा थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका, नाक और कान। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इन द ईयर 2023 यानी 2023 में, चंद्रयान 3 को वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से लॉन्च किया गया था, जीके का सवाल है, आप सभी ने चंद्रयान जब चल रहा था बहुत अच्छे से सबने इसको सुना है, समझा है, और इसके बारे में पढ़ा भी है एग्जाम देने से पहले, तो ये पूछा है लॉन्च कहाँ से किया गया था, वो किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से, तो इसका आंसर वही होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा वही है, तो थोड़ा जीके भी है इसमें। अगला सवाल, द छाउ डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल इन द रीजन ऑफ, यानी छाऊ नृत्य मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्र में त्योहारों के दौरान किया जाता है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ही राइट है, छाऊ जो नृत्य है वो ऑल ऑफ दीज मतलब झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अगला है 13, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, यानी निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संख्या चुने जो भिन्न है, क्या है जो भिन्न है, तो ऑप्शन ए की बात करूँ 67, ऑप्शन 2 की बात करूँ 1, ऑप्शन 3 की बात करूँ 125, ऑप्शन 4 की बात करूँ 27। देखो 27 3 की क्यूब और ये क्या है 5 की क्यूब 125, तो 67 क्या है, 67 अलग ही है, मतलब अलग ही फिल्म है, तो इसका यही राइट आंसर है 67, देख लेते हैं 67 इज द राइट आंसर। अब है अगला सवाल, लुक एट द सीरीज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज,
E2VF4S7G93TE82, ये पूरी इन्होंने सीरीज दी है, आप पढ़ लेना ध्यान से, इसको चाहो तो स्टॉप कर लो और इसको देख लो, ये क्वेश्चन पूरे को ध्यान से पढ़ो और फिर मैं इसका आंसर बता दूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इसका आंसर, क्योंकि ये पूछ के आराम से हाउ मैनी ऑड नंबर पूछा आर फॉलोड इन इमीडिएटली बाउल, बाउल के अंदर ऑड नंबर पूछ रहा आराम से, तो क्या है इसका, एक इसका राइट आंसर है, वन नंबर जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप इसको डायरी पेन पे लिखो अच्छे से समझो आ जाएगा समझ में, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो क्लियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सिक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सिक्वेंस, दिए गए शब्दों को उस अनुक्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं और फिर सही अनुक्रम चुनें, तो क्या ये क्रेडिशनली क्रीड क्रीज क्रेमिएट क्रेडिबल, तो इनके क्या है आंसर, क्या है इसका होने वाला है, आप इसको देख लेना स्टॉप कर लो समझ जाओगे, इसका आंसर है 31524, 31524 कहाँ पे है इसका आंसर, ये है आपका जो लास्ट वाला है फोर्थ नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर 31524, समझ लेना सवाल को, क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछने हैं, दिए गए शब्दों को उस अनुक्रम में व्यवस्थित करें जिसमें भी शब्दकोश में होते हैं, शब्दकोश में मतलब एक पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आपने इनको रखना है शब्दों को, तो वो वही है जो थ्री 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 में क्या आ रहा है आपका, थ्री में आ रहा है क्रेज, वन में क्या आ रहा है, वन में आ रहा है आपका ट्रेडिशनल, इस तरीके से आप इनको मैच करना फिर इनका निकाल लेना आपको समझ आ जाएगा। अगला सवाल, विच सिंगल लेटर कैन बी प्रेफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म इंटायरली न्यू वर्ड्स, उड़ते हैं नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के आगे कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है, एज ऑफ इन्होंने दिए हुए एज कैब इलेक्ट कोल्ड, इसमें कौन सा लगाया जा सकता है दोस्तों, वो लगाया जाता है हमारा एस, एस को हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड, इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं, जो तीसरा वाला लिखा है इलेक्टेड तो इसमें एस लगाएं सिलेक्ट, तो इस तरीके से क्या एस इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर आर मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द बिलो गिवन सीरीज, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें, सी सी बी ए सी ए ए बी सी सी ए और ए, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी ए बी, हाँ वो ये बी ए बी इसका राइट आंसर है इसका, क्योंकि ये देखो जीके के हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगानी है आप समझ जाएंगे, आप दोस्तों इस चीज़ को करने से पहले ना अपने पास ना एक हेल्प, ये अपनी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल ये सब लिख लेना पूरा, और उनके ऊपर अपने नंबर डाल देना 1 2 3 कौन से नंबर पर कौन सा बाउल आ रहा है, इस तरीके से आप पूरा इनको आराम से कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों, ये हो गए हमारे कौन से हो गए, हो गए हमारे ऑपरेशन थिएटर वाले असिस्टेंट के, यानी ऑपरेशन थिएटर जो असिस्टेंट है उस, ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था 22 तारीख को ही, उसके जो अदर क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल था इसमें ओटी टेक्नीशियन वाले पेपर में, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 10 मीटर व्हाट इज इट्स एरिया, यानी अगर एक वर्गीकार मैदान का विकर्ण 10 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, आपको कैलकुलेट कर लो इसको समझ आएगा, इसका जो 50 m² इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द ब्लैंक टू मेक द नंबर सेंटेंस करेक्ट, इस वाक्य को सही से बनाने के लिए रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, 2024 प्लस 2025 प्लस आगे डैश है खाली है इजिकल टू 25 25 2025 2025 2025, तीन बार दिया हुआ है इन्होंने, तो अगर 24 25 की अगली संख्या क्या 26 आएगी, तो क्या हमारा ऑप्शन बी 26 2026, हाँ तो 2026 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल कह रहा है हमसे, ऋत्विक हैज रुपये 995.50, रैना हैज रुपये 225 लेस देन ऋत्विक, हाउ मच मनी डज रैना हैव, ऋत्विक के पास 995.50 रुपये हैं और रैना के पास ऋत्विक से 225.50 रुपये कम है, रैना के पास कितने रुपए हैं, भाई कुछ नहीं करना है दोनों के रुपयों को लो और चीज़ खाने चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, दोनों के रुपये क्या है हमारे 995, उसके बाद 225 के पास है, दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारा निकल के आएगी वो आएगी 770, तो वही हमारा राइट आंसर होगा, तो 770 ही इसका राइट है, तो क्लियर है। चलते हैं अगले की तरफ, इसी का वाई 6 नोटबुक बर्थ रुपये 60 ईच
हिंदी में बात करो, हिंदी में समझेंगे ना आप तो तुरंत क्वेश्चन को समझ जाएंगे, आंसर को भी समझ जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, इसिका ने 6 नोटबुक खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 60 रुपये है। इसिका ने 6 नोटबुक खरीदी हैं, ठीक है, आप इसको यहीं से ही समझते हुए चलना। 6 नोटबुक खरीदी हैं जिनकी कीमत 60 रुपये है। उसने 3 रूलर खरीदे हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 6.50 रुपये है, 6.50 रुपये है। और उसने 12 पेंसिल खरीदी हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3 रुपये है। इसके अलावा उसने 90 रुपये का एक ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदा है। उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया है? सिंपल सा है भाई साहब और आसान सा भी है, आप इसको समझें, मैं आपको समझाता हूँ। इसिका ने क्या करा है, देखो 6 नोटबुक खरीदी हैं जिसका MRP 60 है, तो दोनों को इंटू करेंगे, 6 × 16 करेंगे तो टोटल कितना बैठेगा, 360। फिर उसने क्या किया, 3 रूलर खरीदे हैं जिसकी कीमत है 6.50 रुपये, तो दोनों को इनको भी इंटू करेंगे, 3 × 6.5 तो इजिकल टू कितना बनेगा, 19.5, 1950 रुपये। अब इसने क्या किया है बाद में, फिर इसने क्या, 12 पेंसिल खरीदी हैं जो कि 3 रुपये की एक है, तो 12 × 36, इसको भी इंटू किया तो 36 किया। अब इनको हमने 36 करने के बाद तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो आएगी हमारी 513, तो वही हमारा राइट है, क्योंकि सवाल ने पूछा है लास्ट में उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया, टोटल राशि जो उसने भुगतान किया वो 513 रुपये किए हैं, 513.5। तो क्लियर, अगले सवाल की तरफ। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन ऑफ 45.5, इफ 1 न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन देन द न्यू एवरेज बिकम्स 47, द न्यू ऑब्जर्वेशन इज। अब देखो 6 अवलोकन का औसत 45.5 है, अगर पिछले अवलोकन में एक नया अवलोकन जोड़ा जाता है, सवाल को समझ लो यहीं पे, 6 अवलोकन का औसत है क्या है, 45.5, अगर पिछले अवलोकन में एक नया अवलोकन जोड़ते हैं, अगर 6 में एक और जोड़ेंगे कितना हो गया, 7 हो गया, तो नया औसत 47 है हो जाता है, तो 7 का औसत क्या होगा, 47 हो जाता है। अब नया अवलोकन पूछ रहा है हमसे, तो नया अवलोकन क्या रहेगा हमारा, इसका जो नया अवलोकन रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है आपका 6 × 45, दोनों को हम गुणा कर लेंगे, यानी इंटू कर लेंगे दोनों को ही, 45.5 × 6 कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 273, और 7 × 47 को कर लेंगे हम, जो नई जो 6 में एक जोड़ रहा है तो वो 7 होगा, 7 × 47 कर लेंगे तो कितना हुआ हमारा, टोटल हुआ 329, यानी अगर 329 में से 273 को हम घटाएंगे तो हमारी क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी, वो आएगी 56, यानी 329 में माइनस करेंगे 273 का तो हमारी जो निकल के आएगी वो आएगी 56, 56 कहाँ पे, तो ये है हमारा ऑप्शन 56। सवाल को समझ गए ना आप, क्योंकि 6 अवलोकन का औसत 45.5 है, अगर पिछले अवलोकन में एक नया अवलोकन जोड़ा जाता है, पिछले अवलोकन में एक नया अवलोकन जोड़ देंगे तो 6 को 7 कर देंगे तो 7 का जो नया औसत है वो 47 हो जाता है, तो हमने क्या किया है, 6 इन दोनों को गुणा कर दिया है, यानी आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद इन दोनों की जो वैल्यू निकल के आई है उसमें से माइनस कर दिया एक दूसरे को, तो माइनस करने के बाद जो निकल के आ रहा है हमारा वही हमारा आंसर रहेगा इसमें 56, तो 56 इज द राइट आंसर, वही करेक्ट आंसर है 56। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 42% ऑफ द नंबर इज 42% ऑफ ए नंबर इज 2457, व्हाट इज द नंबर। किसी संख्या का 42% 2457 है, वह संख्या कौन सी है। तो क्या क्या है भाई लोगों, इन्होंने सवाल को समझो, सवाल को अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप लिख लो, एक्स अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, एक्स इंटू 42% यानी 6 से डिवाइड करता हूँ तो जो निकल के आएगी हमारी रीडिंग, तो वो आने वाली है हमारी क्या आएगी, अभी हम 6 से इसको कैलकुलेट किए तो इसकी निकल के आएगी 5850, यानी 5850। तो क्या देख लेते हैं, हाँ तो करेक्ट है, कुछ नहीं, क्या परसेंटेज निकालनी है, जो परसेंटेज जो आपने पढ़ी थी उसी को करना है कैलकुलेट, कुछ इसमें बड़ी बात है नहीं बाकी। और देखो दोस्तों इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन के नाम से मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, तो मैं और भी प्लान कर रहा हूँ कि अदर सिलेबस के ऊपर वीडियो लाने के लिए आपके लिए, तो प्रॉपर है अदर सिलेबस के ऊपर ही उसको समझाने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया जाए और समझाया जाए बोर्ड के साथ, बोर्ड की हेल्प लेके लिए, यानी साथ के साथ प्रैक्टिकली, तो मैं उसमें अगर आपके कोई सवाल छूटता है जो समझ में नहीं आता है तो आप मेंशन कर देना कि सर ये वाला सवाल रह गया, इसको सही से समझ नहीं आया, तो उसको हम उस वीडियो में ऐड कर लेंगे और आपके सामने उसको क्लियर करके दे देंगे। क्लियर है
क्लियर दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती सेलिब्रेटेड ऑन। अब लाल बहादुर जी की शास्त्री पूछ रहे हैं, वैसे दो लोगों की जयंती एक ही दिन आती है, हमारे महात्मा गांधी जी की भी जयंती एक ही दिन आती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आती है एक ही दिन, वो कौन सा दिन है? वो है हमारा 2 अक्टूबर। इसका जो आंसर है वो 2 अक्टूबर ही है, क्योंकि जी के ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब गांधी जी की जयंती आती है 2 अक्टूबर को, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती उसी दिन आती है, तो 2 अक्टूबर ही राइट आंसर है इसका। अगला सवाल, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द सिटी प्रयागराज? प्रयागराज का पुराना नाम पूछ रहा है, क्या है? इलाहाबाद है भैया, सभी ने देखा था, इलाहाबाद को ही अब नया नाम बदल के कानपुर रख दिया, यूपी में पड़ता है ये, कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद इसका राइट है, इलाहाबाद सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत नाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? भारत नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? महाराष्ट्र का है, केरला का है, तमिलनाडु का है, या बिहार का है? तो दोस्तों जो भारत नाट्यम है तो वो हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु इधर राष्ट्र। ये जीके के थोड़ा इनको रिपीट मार लेना, क्योंकि अभी आपका पेपर होने वाला है, ESIC का भी होने वाला है, DSSB का भी होने वाला है, तो मैं ये आपके लिए बस एक तरीके का मॉडल टाइप पेपर दे रहा हूँ पुराने वाले, ताकि आपको आइडिया हो जाए, और एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे अगले, ज़रूर इसके डिस्कस करेंगे अदर क्वेश्चंस के ऊपर भी, एक अलग वीडियो लाएंगे सेपरेटली, जो किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे या पूछे जाने वाले होंगे, इस तरीके का मिक्सअप करके लाएंगे, मतलब कोशिश पूरी रहेगी कि आपके एग्जाम में उनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आए, तो उनके लिए हम अगली वीडियो तैयार करेंगे। तो अभी तो इसी पे चलते हैं। अगला सवाल है, इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर? वो मध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी का माप है, क्या है हमारा? लेटीट्यूड ही है, अक्षांश, क्लियर है। अब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। हाँ जी देखो, बैरोमीटर ही, थर्मामीटर तो बुखार को चेक करने के लिए होता है, बैरोमीटर इज द राइट आंसर, बैरोमीटर ही। अगला सवाल, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स? यानी किसे सेंट ऑफ गटर के रूप में जाना जाता है? कौन है हमारे? मदर टेरेसा जी, हाँ वही हैं। ऑप्शंस हैं वैसे, मदर टेरेसा हैं, B.R. अम्बेडकर जी हैं, जवाहरलाल पंडित जी हैं, गांधी जयंती हैं, लेकिन नहीं, हमारे मदर टेरेसा वही आंसर है, मदर टेरेसा ही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सिक्वेंस? निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा? दोस्तों समझिए, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी और ऑडक्टिविटी है। अब इनमें क्या आएगा? देखो मैं सवाल को आप समझो, देखो क्या कह रहा है सवाल, इसने दूसरे ऑप्शन में क्या करा, प्रो मतलब पी हटा दिया, आगे से एक वर्ड हटा दिया। आप सवाल ऑप्शन देखना, इसमें जो दिए हुए पी को हटा दिया है और बाई को हटा दिया, मतलब पहले के अगर प्रोडक्टिविटी को देखो तो इनमें से अगले वाले में रोडक्टिविटी, इसमें से बाई को हटा दिया, पी को हटा दिया, उसी तरीके से क्या किया इसने अगले वाले में भी वही किया, उधर आर को हटा दिया आगे की तरफ से तो ओ आ गया है, और पीछे की तरफ से टी को हटा दिया तो वी आ गया। अब हमें अगली कंडीशन में क्या करना है, हमें इन दोनों को पीछे वालों को हटा देना, यानी ओ को भी हटा देना और आई को भी हटा देना है, बचेगी क्या हमारी? डक्टिवी। तो क्या है हमारी? डक्टिवी इसका सही आंसर है। तो ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं किया इसने, तो लॉजिकली है, आगे के सवाल को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, लॉजिकली हो जाएगा, डक्टिव इसका आंसर सही है। तो अगले की तरफ चलते हैं, इफ़ ए इजिकल टू 5, बी इजिकल टू 6, सी इजिकल टू 7, डी इजिकल टू 8 एंड सो ऑन, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 17, 5, 23, 24, 9, 22? यदि ए बराबर 5 है, बी बराबर 6 है, सी बराबर 7 है, डी बराबर 8 है इत्यादि, तो 17, 5, 23, 24, 9, 22 का क्या अर्थ है? तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है। देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, जो हमारी अल्फ़ाबेट है उसमें इन्होंने +4 कर दिया है, यानी +4 को जोड़ दिया अल्फ़ाबेट में, तो हमारा राइट आंसर, अगर हम इनमें अल्फ़ाबेट में +4 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? निकल के आएगा मास्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है मास्टर इज का जो राइट आंसर है, मास्टर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। सिंपल सा है, सवाल को समझ लेते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाएं। बेंच है, पिल्लो है, सोफ़ा है, चेयर है। देखो मेज अलग है, मेज एक चीज़ है, सोफ़ा एक चीज़ है, कुर्सी एक चीज़, तीनों मैच खाते हैं लेकिन तकिया मैच नहीं खाते, तो पिल्लो इज द राइट आंसर इसका, जो तकिया यानी पिल्लो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बर्ड हैव द सेम रिलेशनशिप एज जग या वाटर? मतलब जैसे जग है उसके बराबर वाटर है, तो अगला इनमें से कौन सा ऐसा जो मैच नहीं करता, वही कह रहा है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का संबंध जग पानी के समान है? इस तरीके से
एनिमल शीप बिल्कुल सही है, जानवर भेड़ ठीक है, हाउस प्यूपिल, हाउस प्यूपिल देख लेते हैं अगले क्या है। वेल सील, वेल सील ठीक है, कर्ड चीज, दही पनीर बिल्कुल सही है। तो इसमें जो घर लोग ये मैच नहीं कर रहा दोस्तों, देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर, वही है वैसे ऑप्शन टू मुझे लगता है, हाँ वही है हाउस प्यूपिल, क्योंकि दोनों अलग रहे हैं, घर अलग है लोग अलग है, लोग तो कहीं भी गया जिनके घर नहीं है वो भी तो रहते हैं, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, सेलेक्ट ए सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले लेगी। देखिए प्रॉब्लम फिगर को देख लेते हैं, गोला है, गोले के बराबर में ये कितनी है, 1 2 3 4 ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन मार्क देखिए, तो इसके बराबर ये तो ऑप्शन आंसर फिगर में क्या बन बन आई थिंक बन, तो देख लेते हैं दोस्त क्या है, फिगर को आप देख लो तो इसमें बन, हाँ वही होगा ऑप्शन टू ये था बन, क्योंकि इधर भी 8 है उधर भी 8 है, मैच करेंगे इधर भी 8 है उधर भी 8 है मन में, तो अगली वो आ सकती है क्योंकि गोला के बराबर में वो आ गया, तो यह त्रिभुज सी जो ये आप दिख रहे हैं त्रिकोणी वाली, इसके बराबर में क्या आएगा, ये भी वही आएगी, तो वो 8 वाली आएगी, तो हाँ वही करेक्ट आंसर बनी है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, पिचर, घड़ा, कंटेनर, बर्तन, बोतल या फिर नल। घड़ा, बर्तन, बोतल ठीक है, नल आई थिंक नल, तो नल, नल इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर नल। तो ठीक है दोस्तों, ये थे शब्दजंग के जो अदर सिलेबस के सवाल आए थे, यानी कि जो बच्चे ओटी असिस्टेंट का पेपर देने गए थे या फिर ओटी टेक्नीशियन का पेपर देने गए थे, तो उन्होंने 30% सवाल दिए थे, 18 सिलेबस से अदर के दिए थे, 18 उसमें थे ओटी असिस्टेंट में और 18 थे टेक्नीशियन में, तो मैंने दोनों को कंबाइंड करके वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं और आप भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम आपके लिए इस तरीके के कंटेंट लाते रहेंगे, सिलेबस तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, हम अदर भी पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि आप आज देख भी पा रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे हम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।